वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस सब्जेक्ट क्लास 7 का 9th चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है सॉइल, हिंदी में मृदा। सबसे पहले तो बच्चों, ये जो शब्द है इससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, बहुत समय से इसको जानते हैं, तो आप सॉइल से क्या समझते हैं? इसका आंसर मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। सॉइल जो है, क्या ये वो चीज है जिसमें हम पौधे लगाते हैं या बड़े बड़े खेतों में जो हम काले कलर की महीन पार्टिकल सी जो चीज देखते हैं उसको सॉइल कहते हैं? तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है? सबसे पहले तो सॉइल होती है बारीक फाइन पार्टिकल्स। ये बनती कैसे है? बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनपे विंड, क्लाइमेट और एयर, इनके एक्शन से, लगातार हवा चल रही है उसके कारण क्लाइमेट का एक्शन हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी समर हो, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत ज्यादा ठंड है, तो उस कारण से जो टॉप लेयर होती है किसी भी रॉक की, उसकी जो फाइन पार्टिकल्स है वो इन विंड और एयर वाटर के एक्शन के साथ जमीन पे आ जाते हैं और बारिश के साथ बहकर बनाते हैं फाइन पार्टिकल्स की लेयर, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। ये मोस्टली टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कैसे बनती है? विंड, वाटर और एयर के एक्शन से। रॉक्स के टॉप मोस्ट लेयर पर विंड, वाटर, एयर और क्लाइमेट के एक्शन से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो डिटैच होकर नीचे जमीन पे जाते हैं और एक लेयर बनाते हैं जिसको सॉइल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑन दी रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, एयर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट सीजन्स ऑल्सो यू कैन ऐड। ओके, सो इस हिसाब से जो है सॉइल बनती है। अब जो भी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है वो सॉइल है, ऐसा आपको मैंने बताया। पर क्या आपने ये देखा है कि जब किसी अर्थ के किसी सेक्शन में बहुत बड़ा होल किया जाता है, जैसे किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या करते हैं? वो अर्थ को डिग आउट करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। तो उसमें आप देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक सेक्शन कटा हुआ, उसमें हम फोर लेयर्स देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत फाइन पार्टिकल्स वाला लेयर रहेगा, जिसमें कुछ छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं, बहुत छोटे स्टोन्स रहते हैं। ऊपर साथ में एक लेयर होती है ग्रीन वेजिटेटिव टाइप की लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये जो है फाइन पार्टिकल्स वाली लेयर होती है, जो अप टू 1 to 2 feet जो है अर्थ में होती है, या 2 centimeter की जो लेयर होती है वो होती है, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल या ए होरिजन। क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल या ए होरिजन। उसके बाद होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में थोड़े और बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी सॉइल और लिविंग बींग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको कहते हैं बी होरिजन या मिडिल लेयर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, इनके साइज थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मात्रा एकदम जीरो रहती है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, सिर्फ मिलेंगे तो पत्थर जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं थर्ड लेयर या सी होरिजन। लास्ट में आपको बड़े बड़े पत्थरों की चट्टान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़ी प्लेट्स होती हैं, प्लेटोनिक प्लेट्स बोलते हैं, बड़े बड़ी चट्टाने देखने को मिलती हैं, इसको बोलते हैं डी होरिजन। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? सॉइल प्रोफाइल। आप ऐसे भी देखिए, अगर आप किसी भी एक लैंड एरिया से सॉइल का एक सैंपल लेकर आते हैं और उसे अगर आप किसी ग्लास में डिजोल्व करते हैं, तो आप उसमें पाएंगे, तो उसमें आप कुछ ऐसा देखेंगे।
सबसे पहले तो आपको ऊपर ग्रीन वेजिटेटिव जो प्लांट्स के रिमेन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है एकदम फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, है ना, मडी कलर के। डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है, उस बेसिस पे आपको इसमें मिलेंगे क्या फाइन पार्टिकल्स। फिर नीचे जितना आप जाएंगे यहाँ पे आपको पेबल्स या स्टोन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे थोड़े डार्क पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, ये कहलाता है कि आपका लेयर ऑफ सॉइल। कि अगर हम सॉइल को पानी में, वाटर में डिजोल्व करें तो उसकी कितनी लेयर्स बनेंगी, तो इतनी लेयर्स बनेंगी। वैसे ही अगर अर्थ में सॉइल जो है वो कुछ इस प्रकार से जमी रहती है। सबसे पहले जो है हमको टॉप मोस्ट लेयर मिलती है जिसको ह्यूमस बोलते हैं। अभी ह्यूमस होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हम सॉइल में पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनको लगाते हैं। प्लांट्स को लगाते हैं तो क्या होता है, इनकी जो जड़ें हैं वो फैलती हैं। सॉइल जो है प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती है, सपोर्ट देती है। बट जो प्लांट है उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गई, ड्राइड लीव्स हो गई, या कोई प्लांट डेड हो जाता है, तो एनिमल्स प्लांट्स की डेड बॉडीज जो है इसी सॉइल की ऊपर वाली लेयर पे जाके जम जाते हैं। और डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से ये सब जो है डिकम्पोज होता है और फिर एक टॉपमोस्ट लेयर, एक फाइन लेयर बनाता है, ग्रीन काई कलर की एल्गी टाइप दिखता है ये, और उसको कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है हाईली न्यूट्रिटिव होता है क्योंकि ये बना होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल के रिमेन्स से, अवशेषों से मिलके बना होता है। साथ में ये टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे वाटर अगर इस सॉइल में डाला जाए तो वो ह्यूमस जो है मोस्ट ऑफ द सॉइल जो वाटर है उसको अपहोल्ड कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही वाटर जो है नीचे जा पाता है। वाटर होल्ड करने की वजह से यहाँ पे जो है सॉइल का मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है और मॉइस्चर लेवल बढ़ जाने के कारण प्लांट जो है एक हेल्दी ग्रो होता है, प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये होता है सॉइल प्रोफाइल, ये है लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर। डिपेंड करता है कि आप, मैंने भी बताया कि सॉइल जो है रॉक्स से आके रॉक्स पर वेदरिंग की प्रोसेस से बनती है। अब ये जो सॉइल है ये डिपेंड करता है कि किस रॉक की फाइन पार्टिकल से ये बनी है। अगर ये बड़े बड़े पहाड़ों से बनी है जो कि बहुत ऊंचे हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। इस प्रकार की सॉइल जिसके जो पार्टिकल्स हैं मोटे होते हैं, स्पेशली आपको जो नदियां होती हैं उनके किनारे जो रेत देखने को मिलती है, जो सैंड देखने को मिलती है, वो होती है सैंडी सॉइल जो कि येलो कलर की होती है। कैसी होती है, येलो कलर की। साथ ही आप जो खेतों में देखोगे वो सॉइल कैसी होती है, एकदम ब्लैक कलर की, उसको बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल में क्या डिफरेंस है, ब्लैक सॉइल आप देखोगे एकदम टोटली फाइन पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है और अगर इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है पूरी तरीके से वाटर में मिक्स होके एक सॉल्यूशन की तरह सॉल्यूशन का रूप ले लेती है। सैंडी सॉइल कैसी होती है, आप इसको वाटर में अगर डिजोल्व करते हो तो ये डिजोल्व नहीं होगी बल्कि नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएगी, नीचे जाके जम जाएगी। और इसीलिए जो सैंडी सॉइल है ये जिस रॉक से बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल एंड रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है रेड इन कलर होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, मैग्नीशियम, इन आयरन आयंस के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है और इसमें कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है तो इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं होती है। हाँ, पर अगर इस रेड सॉइल में कोई और सॉइल मिक्स कर दी जाए तो ये फिर प्लांट्स को थोड़ा सपोर्ट दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप होता है सॉइल का जिसको कहते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है बेस्ट होती है और ये बनती है ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल को मिक्स करके। ओके, इनको एक प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल में जब हम गमले में किसी पॉट में, प्लांट पॉट में किसी
प्लांट को लगाते हैं तो हम उसमें कुछ क्वांटिटी सैंड की मिक्स करते हैं। ऐसा करने से ब्लैक सॉइल की जो एक प्रॉपर्टी है कि इसमें वाटर जो पार्टिकल्स है उसके बीच में डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। इस कारण से जो है इस सॉइल के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाती है और प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये जब हम सैंडी सॉइल इसमें मिक्स कर देते हैं तो फाइन पार्टिकल्स, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इस सॉइल के साथ मिक्सअप होके ऐसा लोमी सॉइल बनाते हैं जिसमें की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, जो कि ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लस सैंडी सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इसके पार्टिकल्स जो हैं थोड़े बड़े होते हैं तो ये वाटर को होल्ड भी करके रख सकते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्टेंस, दो फाइन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी बन जाता है, लूज हो जाती है हल्की सी सॉइल। लूज हो जाने के कारण जो है प्लांट की रूट्स को स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, और साथ ही एयर में से ऑक्सीजन को मौका मिलता है कि वो सॉइल में आके मिक्सअप हो सके। तो ये इसीलिए लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसको, इसको बेस्ट माना जाता है किसी भी प्रकार की प्लांट को या फसल को, क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो है वेरी करेंगे इनपे ग्रो करने के लिए। जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल पे आपकी वाटरमेलन हो गया, जितने भी बेले हैं जो फ्रूट्स की बेले हैं, बेल वाले जितने फ्रूट्स हैं उनकी फसल इनपे बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये वाटर को बहुत, ये वाटर जो है इनके तले में जाके रुक जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की दो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम किसी एक पॉट में हमने मिट्टी भर दी है, अब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने 100 ml वाटर जो है किसी पॉट में डाला है तो इस वाटर को कितना टाइम लग रहा है नीचे बॉटम में आने में, तो वो टाइम वो उसका कहलाता है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट मतलब कि वो रेट जिससे पानी जो है टॉप मोस्ट लेयर से एकदम सॉइल के बॉटम में पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद वहां से दूसरे एंड से निकल रहा है, वो इसका कहलाता है परकोलेशन रेट। अब डिफरेंट सॉइल का जो परकोलेशन रेट है वो डिफरेंट होता है। जैसे सैंड का जो है सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, वॉटर इजिली ऊपर से आता है और तुरंत विद इन अ सेकेंड निकल जाता है दूसरे होल से। ब्लैक सॉइल का बहुत ज्यादा होगा, ब्लैक सॉइल का बहुत कम होगा परकोलेशन रेट क्योंकि वो जो है वाटर को होल्ड कर लेती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की अच्छी होती है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में अगर हम 100 ml जो है इनिशियल, जिसको कि यू कहते हैं, इनिशियली हमने 100 ml वाटर लिया है और हम किसी सॉइल में उसको डाल रहे हैं, इसके बाद जो दूसरे होल से निकलने वाला वाटर है उसको हम मेजर करते हैं, तो ये जो है वेट ऑफ वाटर जो है ये वी कहलाएगा। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन जो वाटर की क्वांटिटी है वो 100 ml थी, अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई है, मान लीजिए 80 ml हो गई है। ठीक है, सपोज करते हैं तो वी माइनस यू जो है ये इसका जो है क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है V माइनस यू अपॉन 50, ठीक है, अपॉन 50 ये कहलाएगा उसका परकोलेशन रेट। अब ये 50 क्या है, ये जो 50 है वेट ऑफ सॉइल है जो हमने इसमें लिया है। सॉइल कितना है, 50 ग्राम्स है। आपको बता दू 1 ml जो है 1 ग्राम के इक्विवेलेंट लिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे वॉटर है V माइनस यू करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 80 ml माइनस 100 ml अपॉन 50 करेंगे तो वो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद जो है परकोलेशन बाय रेट ऑफ परकोलेशन भी देख लेते हैं हम क्या कहलाता है। चलिए हम निकालते हैं परकोलेशन
रेट ऑफ परगोलेशन, रेट ऑफ परगोलेशन, ठीक है, ऑफ सॉइल, किसी भी एक सॉइल का। मान लीजिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम्स जो है, 200 जो है हमने क्या लिया है, सॉइल लिया है, 200 ग्राम्स हमने सॉइल लिया है। अब हम इसमें 200 ml की जो है वाटर डाल रहे हैं। मान लीजिए अगर इस 200 ml को 20 मिनट्स लग रहे हैं, 20 मिनट्स लग रहे हैं दूसरे एंड तक आने में, दूसरे एंड से निकलने में, तो परकोलेशन रेट के अनुसार क्या होता है, परकोलेशन रेट इक्वल टू, परकोलेशन रेट इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, रेट ऑफ परकोलेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। परकोलेशन टाइम कितना था, 20 मिनट्स, परकोलेशन अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, 200 ml, तो यह आ जाएगा 10 ml पर मिनट। इसी प्रकार से हम जो है, जैसे अभी रेट ऑफ परकोलेशन हमने निकाला 200 अपॉन 20, 200 ml अमाउंट ऑफ वाटर है, 20 जो है हमारा क्या है परकोलेशन टाइम है, कितना 20 मिनट लग रहा है उसको, तो हमारा 10 ml पर मिनट जो है हमारा परकोलेशन रेट निकल के आया है उस सॉइल सैंपल के लिए। अब हम जो है इसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन भी निकाल सकते हैं, किसी सॉइल का एब्जॉर्प्शन रेट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वेट ऑफ सॉइल जो है कितना है, 50 ग्राम्स, सॉइल का वेट कितना है 50 ग्राम्स। अब हमारे पास 50 ग्राम्स है इनिशियल वाटर, इनिशियल वाटर मतलब कि इस 50 ग्राम्स सॉइल में ऐड करने के पहले वाटर कितना था, 100 ml मान के चलिए, ठीक है। अब इस 100 ml को हमने क्या किया, 100 ml वाटर को हमने इस सॉइल में डाला। इस सॉइल को जब हमने डाला बाहर निकाला तो जो है मात्र 80 ml जो है वाटर बाहर निकला, तो इनिशियल वाटर को हम U नाम दे देते हैं और फाइनल जो वाटर हमारा निकल रहा है उसको हम V नाम दे दे रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बराबर हो जाता है V माइनस U अपॉन 50। ये जो 50 है ये आपका वेट ऑफ सॉइल है, अपॉन वेट ऑफ सॉइल भी आप लिख सकते हो, तो 80 माइनस 100 अपॉन 50, ठीक है। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका एब्जॉर्प्शन रेट कहलाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है सॉइल की मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब कि पानी में सॉइल में नमी। मॉइस्चर जो है हमने वाटर डाला, आपको पता है कुछ वाटर जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, अब ये जो एब्जॉर्ब वाटर किया इस कारण से सॉइल में जो है नमी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। अब इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, आप कुछ एक सॉइल का सैंपल लीजिए और एक सैंपल को आप क्या कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए, कैसे, किसी भी एक यूटेंसिल में आप उसे हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद समय आप देखोगे कि कुछ फ्यूम्स उसमें से निकलेंगी, ये जो फ्यूम्स है ये वाटर वेपर होती है जो कि बनती है सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर के कारण। अब आप दोनों सॉइल का वेट मेजर कीजिए, डेफिनेटली जो सॉइल आपने हीट कर दी है उसका वेट कम निकलेगा, साथ ही जो सॉइल आपने हीट नहीं की है उसका वेट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दी मॉइस्चर। तो इस प्रकार से मॉइस्चर भी एक प्रॉपर्टी होता है सॉइल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। स्पेशली इस प्रॉपर्टी का यूज हमको देखने को मिलता है समर सीजन में, समर सीजन में जिस सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है उसमें प्लांट्स जो है ज्यादा दिन तक जीवित रह पाते हैं बगल बजाय उसके जिसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसके अलावा जो है हम देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में, कैसी कैसी सॉइल होती है और कैसा कैसा फिर उसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो जैसे कि ब्लैक सॉइल जो है, वैसे मैंने इस बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि लोमी सॉइल जो है वो बेस्ट होती है किसी भी प्रकार की सॉइल को ग्रोथ करने के लिए। सैंडी सॉइल में जो है बेले जितनी होती है, जैसे तरबूज की बेल, खरबूज की बेल, ये सब बहुत अच्छे से ग्रो करती है। साथ ही जो हमारी रेड सॉइल है वो फिट नहीं होती है किसी भी प्रकार के प्लांट को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा जो है सॉइल का एक और इम्पोर्टेंट यूज है मेकिंग पॉट्स, पॉट्स एंड यूटेंसिल।
आप अगर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री उठा के देखो तो पहले जो है मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और उसको बनाने वाले इंसान को कुम्हार बोलते थे। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और फिर इसी बर्तन में जो है खाना बनाया जाता था। तो ये कैसे किया जाता था, सॉइल को बहुत अच्छे से क्या कहते इसको ट्रीट करके, इसको प्रोसेस करके जो है चरखे पे घुमा के, एक चरखा रहता था उस पे जो है बनाया जाता था पॉट्स को। तो ये भी एक सॉइल की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म करती हूँ। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।